महाराष्ट्र के सतारा जिले में बस स्टैंड पर खड़ी 5 बसों में एक साथ आग लग गई। ये सभी सेमी एसी वाली शिवशाही बसें थी। आग में 5 बसों के अंदर का हिस्सा जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। पुलिस से लेकर बस स्टेशन के अधिकारी सभी हैरत में हैं कि कैसे 5 बसों में एक साथ आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही बस स्टैंड में अफरा तफरी मच गई। यात्री जान बचाने के लिए बस स्टैंड से भागते हुए नजर आए। जिस दौरान ये आग लगी, एक बस में कुछ यात्री भी बैठे हुए थे। इस दुर्घटना में करोड़ों का नुकसान हुआ है। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। बस स्टैंड के एक हिस्से में बीपीएल मॉल है। ये घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर है। गनीमत ये थी कि आग पर समय से काबू पाया गया और बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। इस आग शिविर में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। पुलिस ने आसपास के होटलों और यात्रियों से पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि ना तो पुलिस और न ही अधिकारियों ने आग लगने के सही कारण को बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसआरएस न्यूज, महाराष्ट्र।